एक इंसान जिसका नाम है एलन मस्क, उसने न जाने कब ये सपना देखा कि क्या होगा जब ये धरती एक दिन पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, क्या होगा या रहने की सभी परिस्थितियां खराब हो जाएंगे। सवाल के साथ साथ उसके सपने में जवाब भी था। उसने ठान लिया कि इस दुनिया से अलग दुनिया यानी कि मंगल ग्रह को इंसानों की स्थिति अनुसार रहने लायक बनाएगा। उसके सपने पर दुनिया जब से विश्वास करने लगी, तब से मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाने वाले प्रोजेक्ट में स्पेस एक्स के साथ नासा भी आ गई। नासा के नाम से ही विश्वास अपने आप लोगों के मन में पड़ जाता है। खैर, अभी तो तैयारी जारी है। एलन मस्क की माने तो 2050 तक मंगल पर करीब 1 मिलियन आदमी रहने लायक एक शहर बनाएंगे। आखिर कैसा होगा वो शहर और कैसे लोगों का सर्वाइव होगा मंगल पर, जहां जरूरी ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीजें मौजूद नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम आए हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि टेस्ला अपनी कारों में फ्यूल का इस्तेमाल करने से मना कर चुकी है। इसी तरह स्पेसएक्स रॉकेट में कम फ्यूल से ज्यादा दूरी तय करने की टेक्निक पर काम कर रहा है। क्योंकि धरती से मंगल की दूरी 6,20,00,000 किलोमीटर है, इसलिए इतने लोगों को मंगल तक ले जाना हो तो स्पेसएक्स को कम फ्यूल वाली इस्तेमाल तकनीक पर काम करना पड़ेगा, वरना उनका सपना साकार नहीं हो सकेगा। स्पेसएक्स के हवाले से जो खबरें मिली हैं, उनके हिसाब से मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए खास तरह की स्टारशिप का निर्माण किया जाएगा, जिसको ज्यादातर टेस्ला में उपयोग होने वाली जैसी बैटरी को उपयोग में लाया जाएगा, जिसका कारण फ्यूल कम लगेगा। आखिर ये काम हो गया तब दिमाग में बात घूम रही होगी कि आखिर आदमी वहां जाकर करेगा क्या। वो कहावत है ना कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और कैसे बनेगी ये पूरी कॉलोनी। तो सबसे पहले हम उस बात पर चर्चा करेंगे कि हम आखिर पृथ्वी छोड़कर मंगल पर ही ऐसा करने का क्यों सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे आसपास दो ग्रह हैं, एक तो शुक्र है और दूसरा है मंगल। हम शुक्र का चुनाव इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा गर्मी है और बिना नियंत्रण का तापमान है, जो आने वाले कुछ सदियों में धरती पर होने वाला है। यानी हम जिस चीज से भाग रहे हैं उससे बढ़कर चीजें हमें शुक्र पर मिलेंगी, इसलिए शुक्र के बारे में तो हम भूलकर भी जाने का सोच नहीं सकते। अब बात करते हैं मंगल ग्रह की। उसके ऊपर शुक्र जितनी उबलती गर्मी तो नहीं है, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है जितनी हमारे अंटार्कटिक इलाके में है। लेकिन मुश्किल सिर्फ ठंड की नहीं है, दिक्कत है तो जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन की, फिर भी लोग यहां कैसे भेजेंगे। आइए अब आपको तसल्ली से बताते हैं। जैसा कि स्पेसएक्स और नासा की मिलीभगत माने तो 2026 तक इंसानों का छोटा ग्रुप भेजा जाएगा, जिनके पास खाने पीने की चीजों के साथ पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन व प्रेशराइज सूट होंगे, जो कि 2 सालों तक पर्याप्त होंगे। लेकिन मंगल ग्रह पर मानव के जाने से पहले वहां ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहां की धूल भरी आंधी से इंसानों को बचाया जा सके और रहने के लिए कोई उचित जगह मिल सके। अब आप ये पूछेंगे कि इंसान वहां जाएगा नहीं तो वहां पर ये सब बनाएगा कौन, तो इसका जवाब है रोबोट। जी हाँ दोस्तों, आदमी से पहले मंगल पर A1 टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते इंसेक्टर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मंगल ग्रह की मिट्टी से ही बनाए जाएंगे, क्योंकि रोबोट कोई आम बात करने वाले रोबोट नहीं है। ये रोबोट एक अद्भुत टेक्नोलॉजी के साथ ही अपना काम पूरा करेंगे। रोबोट अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये सभी एक साथ मिलकर अपने कार्य को पूर्ण करेंगे। इन रोबोट में हाई क्वालिटी कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए विशेष टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर लगे होंगे। ये रोबोट सबसे पहले उस जगह का चुनाव करेंगे जिसे आदमी के रहने के लिए विशेष शेल्टर बनाए जाएंगे। इसके बाद मिट्टी खोदने वाले एक्सकलीवेटर का काम शुरू होगा। मिट्टी खोदकर दूसरे रोबोट के द्वारा अच्छी मिट्टी का चयन करके 3D प्रिंटर वाले रोबोट में डाल दी जाएगी, जिससे वह रोबोट डिजाइन के अनुसार मिट्टी का ढांचा तैयार कर देगा। कई दिनों तक इस काम को धरती से ही मॉनिटर किया जाएगा। जब ये शेल्टर बनकर तैयार हो जाएंगे, जब ये रोबोट दूसरे काम की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे। असल में इंसानों का ग्रुप जब मंगल पर जाएगा तो उनके साथ बहुत सारा सामान होगा, जिसे स्पेस एक्स से उतरकर शेल्टर तक ले जाएंगे ये रोबोट। रोबोट द्वारा सभी सामान को अपने निर्धारित जगह पर रखकर उनको आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा। आपस में इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी जाएगी ताकि एक सोलर फार्म से जुड़ी होगी। अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पर घूमना होगा तो उनके लिए बैटरी वाली गाड़ियों का विशेष प्रबंध होगा। ग्रीन हाउस का भी निर्माण किया जाएगा, इसमें सब्जियां उगाई जा सकें। सर्च में पाया गया कि शुरू में मंगल पर आलू और बीन्स की सब्जियां उगाई जाएंगी। असल में होगा कुछ ऐसा कि जैसे ग्रीन हाउस में बड़े बड़े पेड़ होंगे, पौधे होंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे, लेकिन ये ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं होगी। ऑक्सीजन के लिए कृत्रिम प्लांट भी लगाने होंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए रिसर्च जो पहले की जा चुकी है वो मार्स रोवर मशीन से की गई थी, जो मंगल के वातावरण से CO2 लेकर उसमें हीट और जरूरी इलेक्ट्रीकरण के जरिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके O2 बनाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें
कि मंगल की जमीन के नीचे दबे पानी के भंडार भी मार्स रोवर मशीन पहले ही ढूंढ चुकी है। अगर आप देखेंगे कि अब हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल पर उपस्थित होगा, लेकिन समस्या अभी भी वही है कि हर समय इंसान अपने केबिन में ही रहेगा। क्या उसको बाहर निकलने का कोई उपाय भी मिलेगा? शायद इसके एक ही उपाय संभव है, किसी तरह मार्स के वातावरण का तापमान बढ़ाया जा सके। इसके लिए एलन मस्क की राय है मंगल ग्रह पर 10,000 न्यूक्लियर मिसाइल छोड़ दी जाएं, जिससे कि वहां का तापमान बढ़ जाएगा और मंगल पर भी धरती जैसा माहौल बन जाएगा। इसके अलावा आप भी मंगल ग्रह के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक और ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।